तो इसको आप इंस्टाग्राम पे रिश्ता विश्ता के लिए मैसेज करना है तो मैसेज कर दीजिएगा। ये भी ठीक है। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। एक बार और कर लो ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? भाई हमेशा की तरह आप लोग भी गर्दा उड़ा रहे हो, हम लोग भी गर्दा उड़ा रहे हैं और ये चारों फोन्स आजकल मार्केट में गर्दा उड़ा रखा है। और आज का जो रिव्यू है ना वो स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही कैप्शन पढ़ लिया होगा कि ब्लाइंड कैमरा टेस्ट, तो ये पूरा का पूरा रिव्यू जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम फोटोज डालने वाले हैं आज, सिक्वेंस ये नहीं रहेगा, आप अभी देख लो, सिक्वेंस ये नहीं रहने वाला है, वो ए बी सी डी ऐसे करके रहेगा। उसमें आपको रैंडमली चूज करना है, हर फोटोज को हम डालेंगे और उसमें हर बार सिक्वेंस हम चेंज कर देंगे, वाइड में हो या अल्ट्रा वाइड में हो सीक्वेंस चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि भाई चारों में से कौन सा फोन जो है सबसे बेटर है। वैसे IMX766 है इन तीनों फोन में और एक में हम लोग को GW1 मिलता है, तो इन चीजों का सेंसर जो है सबसे बड़ा है। अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का नथिंग फोन 1 में है, जो कि बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है भाई दिन में अच्छा फोटोज नहीं खींचता है। तो सब चीज आप देखो आज रिव्यू में, बताओ आप कि कौन सा फोन जो है सबसे बेटर परफॉर्म करता है। तो अगर वाइड एंगल कैमरा का बात करें, इन तीनों का सेंसर इससे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं बड़े सेंसर का थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है इनको या फिर नहीं मिलता है, या ऑप्टिमाइजेशन में ये ज्यादा बेटर होता है, वो आप फोटोज देखो और उसके बाद बताओ। तो भाई सच बताएं तो हमको भी नहीं पता है कि कौन सा फोन कौन सा है, क्योंकि भाई हमारे एडिटर राहुल ने एडिट करके हमको दे दिया है, हमको भी नहीं बताया गया कि कौन सा फोन कैसा है एडिट। अब आप लोग देखो यहाँ पे, हम एक चीज़ जो बोलेंगे कि हमारा जो बी नंबर वाला फोन है वो सबसे ज्यादा शार्प और डिटेल्ड और कूल टोन दे रहा है, और ए जो फ़ोन है हमारा वो थोड़ा सा शेडोज़ वगैरह जो है उसमें थोड़ा लैकिंग है, वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। राइट साइड में आप जाओगे सी और डी में तो उन दोनों का कलर थोड़ा मैचिंग है और कहीं ना कहीं फेडेड टोन भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सी में हमको फेडेड टोन दिखा है, खासकर जब पोर्ट्रेट शॉट्स हम लेते हैं तो उस टाइम पे, तो उस फ़ोन का थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हमको यहाँ तक थोड़ा बहुत पता चल चुका है कि कौन सा कौन है, लेकिन श्योर नहीं है। वैसे सारे फोन 10x पे कर दिए हैं, नॉर्ड 2T और नियो 6 जो है 10x मैक्सिमम जूम सपोर्ट करता था। तो जूम में आप बताना कि भाई इन चारों फोन में कौन सा बेटर है। यहाँ पे क्रॉप करने के बाद हमको मेरे ख्याल से सी और डी जो है सबसे ज्यादा शार्प और डिटेल लगा है, बी जो है थोड़ा सा ओवर शार्प किया हुआ है, ए भाई सबसे पीछे बोलेंगे हम यहाँ पे। वैसे ये चारों फोन्स तो आज गर्दा उड़ा रहा है और ब्लाइंड टेस्ट में आपका काम है अब अगला कि पोर्ट्रेट शॉट्स में कौन गर्दा उड़ाता है। और आज फिर से हम लोग के साथ है अंकिता, तो अंकिता रेडी हो तुम? तो इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे यूजर नेम डाला हुआ है, रिश्ता विश्ता के लिए मैसेज करना है तो मैसेज कर दीजिएगा। हाँ जी है ना? नहीं ऐसे ही ठीक हो, चलो ठीक है। तो वैसे है तो ये ब्लाइंड टेस्ट लेकिन हम बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं है और अभी भी दिख रहा है कि 95% लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई चल क्या रहा है? अरे सब्सक्राइब किया है तू? तो अगर पोर्ट्रेट शॉट्स का बात करेंगे तो यहाँ पे चारों ही फोन फर्स्ट फोटो में तुमको अच्छा लग रहा है। बी हमको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, नेचुरल ब्लर के साथ ज़्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन सी हमको ऐसा क्यों फील दे रहा है कि भाई ये ओप्पो वाला ये सॉफ्टवेयर थोड़ा फील दे रहा है फोटोज़ खींचने के बाद, तो ये रियलमी या हमको नॉर्ड वाला फील दे रहा है, मे बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। और ए जो है वो थोड़ा फेस को डार्क किए हुए है, नेचुरल साइड में ज़्यादा रखा हुआ है, थोड़ा डार्क डार्क फोटोज़ है, और बी का फोटो जो है हमको ज़्यादा नेचुरल लगा डे टाइम में। और इंडोर में जाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि भाई पोर्ट्रेट शॉट्स में यहाँ पे बी जो है बहुत जगह छोड़े हुए है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में बी का थोड़ा सा गड़बड़ हम इंडोर में बोल सकते हैं। इंडोर सिचुएशन में यहाँ पे तो हमको लग रहा है थोड़ा बहुत, अब आगे पता नहीं। और एक्सट्रीम लो लाइट में बढ़ते हैं, एक्सट्रीम लो लाइट का फोटोज़ कब आएगा? आ जा आ जा भाई। तो हाँ ये रहा एक्सट्रीम लो लाइट का फोटो, तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि बी हमारा कौन सा फोन होगा हम समझ चुके हैं। तो बी हमारा IQ होना चाहिए, तो बी हमारा IQ ही है। और C9 Pro Plus, यस। तो आप बताओ आपने क्या क्या गेस किया था, आपको गेस आपका जो गेस है वो कितना सही था, आप कमेंट करके बताओ। तो सबसे ज़्यादा जो फिल्टर्स हम लोगों को मिलता है वो कहीं ना कहीं हम लोग को 9 Pro Plus में मिल जाएगा, ओरिजिनल ये डायनेमिक और AI कलर पोर्ट्रेट मोड जिसमें बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड वाइट रहेगा, सब्जेक्ट कलरफुल, और ये बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड जिसमें बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा बोके मिलता है। Realme Nord 2 में हम लोग को 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि Nothing में 50 मेगापिक्सल का JN1 सेंसर है। तो ये कहीं ना कहीं सेंसर बड़ा है बाकी तीनों से, लेकिन हम लोगों ने कहीं कहीं देखा है कि डे टाइम में इसका फोटोज जो है काफ़ी फीका रहता है। आई होप Nothing इन फ्यूचर अपडेट्स में इसको बेटर कर दे। तो आप फोटोज देखो और उसके बाद बताओ, मतलब सोच लो आपकी भाई कौन सा बेटर होने वाला है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो इन चारों में जो है पहला चीज हमको नोटिस करने के लिए ये मिला कि ए का जो कलर्स है वो ज़्यादा बूस्टेड है कहीं ना कहीं, बी जो है डिटेल्ड यहाँ पे थोड़ा सा फेडेड टोन के साथ भी है हल्का हल्का, सी जो है काफ़ी ज़्यादा डल है, मतलब आप स्काई वगैरह हमको देख के थोड़ा डिटेलिंग में से ज़्यादा लग रहा है स्काई का, लेकिन हाँ ये चीज़ बोलेंगे कि वो थोड़ा डार्कर साइड में ज़्यादा शेडोज़ को और ब्राइट किया जा सकता था सी में। डी जो है ज़्यादा शेडोज़ का डिटेल दिए हुए भी है, और सबसे अच्छा डायनेमिक रेंज जो हमको ए का लग रहा है यहाँ पे, और ये में ए का लेकिन कलर बूस्टेड है काफ़ी ज़्यादा, ये हम बोल सकते हैं क्लियरली। सी जो है यहाँ पे अच्छा काम किया है, शेडोज़ वगैरह बहुत नेचुरल साइड में है। फेस आने के बाद भाई हाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी कौन सा है, ये पक्का रियल मी या नॉट टूटी का फोटोज़ है, ए आई डोंट नो कौन सा है। सी मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो नथिंग हो, क्योंकि ज़्यादा डार्क फोटोज़ है, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में पीछे है। ए तो इसका मतलब आई क्यू ही होगा एंड राइट हम तो एकदम सही बोले हैं दोनों टाइम भाई, हम सही बोले हैं, चीटिंग नहीं की है तुमको पता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे हम बी सोचे थे कि रियल मी होगा, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है कलर। तो यहाँ पे आप बताओ कमेंट करके यहाँ पे आप कितना सही थे। तो फ्रंट कैमरा भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग फ्रंट कैमरा के लिए फ़ोन लेते हैं, सेल्फी वेल्फी क्लिक करते हैं, लड़कियाँ तो भाई वही करती है। तो यहाँ पे फोटोज़ देखने के बाद हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि बी का जो फोटोज़ का डायनेमिक रेंज है वो सबसे बेस्ट है, थोड़ा वाइडर व्यू भी ज़्यादा है, ए ज़्यादा एकदम उजला करने में लगा हुआ है, सी भी थोड़ा उजला करने में, डी भी थोड़ा उजला करने में, बी एकदम नेचुरल साइड में है, डिटेलिंग वगैरह भी बी का सबसे बेहतर है, सॉफ्ट करने में। यहाँ पे डायनेमिक रेंज हमको सी का थोड़ा मतलब तीनों ही फ़ोन लगभग अच्छा काम कर रहा है भाई, और इंडोर में भी हम देखेंगे तो सारा फ़ोन ही सही काम कर रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप बताओ इसमें कौन सा बेहतर है, हमको तो बी हर फोटोज़ में अच्छा लग रहा है। अब क्या आने वाला है, अब हमारे पास तो ये क्या है, अच्छा पोर्ट्रेट मोड, ओके पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पे भी बी हमको सबसे बेहतर लगा डायनेमिक रेंज के साथ, एज सिलेक्शन भी। सी का भाई पूरा ब्लोन आउट, पूरा का पूरा ब्लोन आउट है सी, ए भी थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन डी सेकंड पे है, बी में यहाँ पे कहीं पे ब्लर नहीं किया है बी, और सी में भी एज सिलेक्शन सही नहीं है पोर्ट्रेट मोड में, डी यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे बेहतर काम किया है, ए भी काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ पे भी पंखा मेरा दिख गया है ए में। भाई बहुत कंफ्यूजन है भाई, भाई कौन सा फ़ोन है आप बताओ इसमें, सेल्फी में फ्रंट कैमरा में बहुत कंफ्यूजन। अरे वाह लो लाइट में तो ये एकदम चमका दिया, डी भी काफ़ी अच्छा है, तो आई क्यू नियो 6 डी में। तो अब आते हैं लो लाइट के तरफ, अभी लो लाइट ऐसा हुआ नहीं है, थोड़ी देर में होगा, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे तमराज किल्विस का अंधेरा कब छाएगा। क्या बोलता था जी, अंधेरा कायम रहे तो बुलाया जाए तमराज किल्विस को, तो हमारे ये शक्तिमान कितना रोशनी डालता है इसके फोटोज में वो देखेंगे, तो देखते हैं। तुम देख लेना वीडियो में, सस्ता वैन डीजल लग रहे हो, अरे चेहरा दिखाओ भाई, कितनी लड़कियाँ पागल हो जाएगी तुम पे पता भी है। अभी रजनीकांत के स्टाइल में खड़ा है, तो यहाँ पे हमारे वैन डीजल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वैसे फ्लैश वाला फोटो लो लाइट में तो ए बहुत ज़्यादा चमक चुका है, बी नेचुरल साइड में, सी काफ़ी डार्क है, डी डल है, इसमें भी वही सेम सिचुएशन है। तो आप बताओ इसमें कि कौन सा बेटर लग रहा है आपको। और अब बढ़ते हैं थोड़ा लो लाइट के साइड में, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है भाई, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न, सी जो है ज़्यादा ब्लू टोन दे रहा है, बी थोड़ा नेचुरल साइड में दिख रहा है, डी भी नेचुरल साइड में दिख रहा है, तो भाई कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कौन सा फ़ोन यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। बी शार्प ज़्यादा है, ये चीज़ बोल सकते हैं, बी शार्प ज़्यादा है, डी थोड़ा डल है। यहाँ पे भी फ्लोर में बी सबसे ज़्यादा शार्प फोटोज़ दे रहा है, सी थोड़ा पीछे ही रह रहा है, यहाँ पे बी को हम परफेक्ट बोलेंगे सबसे बेटर। और एक्सट्रीम लो लाइट के साइड जैसे ही मूव किए तो वहाँ पे ए ज़्यादा बेहतर काम करने लगा, बी जो है वो थोड़ा यहाँ पे डल हो गया है, और सी भी काफ़ी ब्राइट हो गया है भाई, सी भी काफ़ी अच्छा काम किया, डी भाई सबसे पीछे क्यों है हमको पता नहीं, डी इज़ नथिंग भाई सबसे पीछे है। 9 प्रो प्लस अभी भी भाई लो लाइट का किंग आप बोल सकते हो, नियो 6 भी तगड़ा काम करता है। तो अब बढ़ते हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ, तो अल्ट्रा वाइड में भाई कौन बेहतर काम करता है, चलो देखा जाए। तो यहाँ पे हम भाई दो फ्लैश, हाँ याद है हमको कि किसी दो फ़ोन में जो है फ्लैश काम करता है, दो में नहीं काम करता है, पता नहीं कौन सा फ़ोन है, बी और डी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए जो है सबसे ज़्यादा डार्क है, बी जो है ब्राइट है, सी काफ़ी ज़्यादा डल है, डी का शेडोज वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है। तो बी जो है सबसे बेटर काम करता हुआ दिख रहा है हमको, सबसे शार्प और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड बी है यहाँ पे, ए थोड़ा सा एजेस पे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ए सी डी जो है कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ये 8 मेगापिक्सल वाला है, बी जो है नथिंग फोन 1 है जो कि लो लाइट में ज़्यादा बेहतर काम करता है। यस राइट, क्योंकि
उसका लो लाइट अच्छा है, दिन में वो फोटोज अच्छा नहीं लेता है। यस, हमको पता था ये चीज़, लास्ट टाइम रिव्यू में भी हम ये चीज़ नोटिस किए हैं। बी जो है ज़्यादा बेटर लो लाइट में, अल्ट्रा वाइड में है। ओके, अब फ्रंट कैमरा लो लाइट में, अब देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन जो है। यहाँ पे ए सबसे ज़्यादा ब्राइट है, डी भी ब्राइट है काफ़ी ज़्यादा, सी सबसे डार्क साइड में दिख रहा है हमको, ए और डी। डी लेकिन सॉफ्ट कर दिया फेस को, बी भी डार्क है काफ़ी ज़्यादा। आप बताओ इसमें कमेंट करके, हम तो भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। फ्रंट कैमरा का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है हमको। सी में शायद नाइट मोड ऑन हुआ है, अब सॉफ्ट अच्छा लाइट दिख रहा है। तो सी में नथिंग फ़ोन वन, यहाँ पे आप बताओ कि आप किस जगह सही थे यहाँ पे। तो हम लोग अगर हम लोग वीडियो का बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि 4K 60 FPS सिर्फ Neo 6 में मिलता है, क्योंकि सबसे तगड़ा प्रोसेसर भी इसमें है और ये जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो इन तीनों फोन से बेटर आपको गेमिंग इसमें मिल जाएगा और हीटिंग मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा हमको बेटर लगा है इन तीनों फोन के कंपेरिजन। 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे 1080p 60 पे रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है सारे फोन्स में, और ये आप अगेंस्ट द लाइट देख सकते हो। आप कमेंट करते जाइए भाई, आपके लिए कौन सा बेटर है, ए बी सी या डी। फेस पोर्ट्रेट में ऐसा आ रहा है वीडियो, और ये फेस हटने के बाद एक्सपोजर किस में शिफ्ट हुआ वो भी आप देख सकते हो, कितना फास्ट एक्सपोजर शिफ्टिंग है फेस आने के साथ, किस में कितना एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है। बड़ी स्टेबलाइजेशन 4K का। तो Realme जो है सबसे पहले अपना ब्राइटनेस कम कर लिया है भाई बाकी तीनों फोन्स के कंपैरिजन। ऐसे तो नथिंग जो है वो सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस वाला फोन है, अब उससे भी कम हो गया। तो भाई ब्राइटनेस का क्या फायदा अगर इतना जल्दी कम ही कर लेना है। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, और ये स्टेबलाइजेशन है, हम हैंड हेल्ड रिमूव कर रहे हैं, ये विथ लाइट है, और ये स्टेबलाइजेशन भी है इसका हैंडल्ड ही है, हम मूव कर रहे हैं ये। और ये अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर शिफ्टिंग आप देख सकते हो इसमें। क्या कर रहे हो जी दोनों, क्या कर रहे हो दोनों? शुभम शर्मा कह रहे हो भाई, अबे तुम सस्ता बैंड डीजल लग रहे हो भाई, मजाक नहीं सर, सीरियसली बोल रहे हैं, तुम देख लेना वीडियो में, सस्ता बैंड डीजल लग रहे हो। अरे चेहरा दिखाओ भाई, कितनी लड़कियां पागल हो जाएगी तुम पे, पता भी है? अभी रजनीकांत के स्टाइल में खड़ा है। देखिए एक चीज हम बता देते हैं कि भाई आपको भी पता होगा इसमें से कि कौन सा फोन कौन सा है, तो एक चीज बता दे कि रियलमी और वन प्लस जो है हम लोगों को सिर्फ पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बाकी दोनों फोन से ये जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। अब तो ये बताओ कि रियलमी और वन प्लस में कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है भाई, इन दोनों में कौन सा बेटर है? क्या आप रियलमी लेकर पैसा बचा सकते हैं या नहीं, ये आप कमेंट कीजिए। तो भाई बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा होगा आप उसको इग्नोर कर देना सबसे पहली बात, ठीक है? नहीं तो ये हम लोग के यहाँ मंदिरों में ऐसा चलते रहता है। और ये अल्ट्रा वाइड 1080p 30 FPS, इसमें देखिए आप किसी कोई भी फ़ोन जो है ए बी सी डी जो भी फ़ोन है, कोई भी 60 FPS कोई भी 4K कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ये अगेंस्ट द लाइट है, एक्सपोजर शिफ्टिंग भी आप देख सकते हो, और ये विथ लाइट है। अरे हम इधर है, तुम रिकॉर्ड किधर कर रहे हो? उधर तुम भी बौड़ा गए हो क्या रे? हाँ लग तो रहा है सस्ता नशा करके आए लड़का, ही यही सब करते हो, काम के टाइम सब अलाउड नहीं है, ही तो अलग लड़की जैसा शर्मा रहा भाई लड़का। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो फ्रंट कैमरा में 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है भाई। कोई भी फ़ोन जो है हम लोग का 60 FPS नहीं सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड का ऑडियो जो है आप अवॉइड कर देना, ये अगेंस्ट द लाइट है वो आप देख लो, और ये विथ लाइट। तो आप देखो, आप बताओ
कोई भी 4K नहीं सपोर्ट करता है, कोई भी 60 FPS नहीं सपोर्ट करता है, कोई भी स्लो मोशन नहीं शूट कर सकता है, बस फ्रंट कैमरा में आप वीडियो बना सकते हैं, इंस्टा पे स्टोरी डाल सकते हैं बस। पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो वीडियो में जो है हम लोग को Nord 2T और Realme 9 Pro Plus इसी दोनों में पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिल जाता है। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो वो 1080p 30 FPS में प्राइमरी कैमरा पर रिकॉर्ड हो रहा है और हम लो लाइट पे के साइड में मूव करते हैं। ये एक फ़ोन जो है हम लोग का इसमें सपोर्ट करता है आपको कैमरा स्विचिंग 1080p 30 FPS पे सिर्फ, बाकी कोई भी फोन्स नहीं करता है। ये जैसे हम कैमरा स्विच कर लिए हैं इस फ़ोन में, आप गेस करो कौन सा फ़ोन है ये। तो सारे ही फ़ोन में हम लोग को AI नाइट मोड मिलता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो नाइट मोड ऑन करके है। आप कमेंट कर बताओ कि इस सिचुएशन में आपको कौन सा फ़ोन जो है सबसे बेटर लग रहा है कि AI नाइट मोड ऑन किया हुआ है। एक्सट्रीम लो लाइट में कौन सा चीज़ जो है ज़्यादा विजिबल है, A, B, C या D। और ये सिर्फ प्राइमरी कैमरा में सपोर्टेड है। ये 1080p अल्ट्रा वाइड है। हम लोग को नथिंग फ़ोन को छोड़ के बाकी कोई भी फ़ोन जो है अल्ट्रा वाइड पे 4K नहीं शूट कर सकता है। तो आप यहाँ पे हम सारा 1080p 30 FPS में ही शूट कर रहे हैं ताकि इक्वल लगे आपको। और अभी अल्ट्रा वाइड आप देख सकते हो। आप कमेंट करके बताओ भाई कि आपको इसमें कौन सा बेटर लग रहा है। और ये एक्सट्रीम लो लाइट साइड तो अभी जो वीडियो देख रहे हो वो फ्रंट कैमरा में 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप बताओ कमेंट करो कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। हमको डिस्प्ले में देख के ये नाम नहीं बताएंगे कौन सा है। ये दोनों अच्छा लग रहा है, यस कर लो। फाइनली सब कुछ देखे हैं मेरे हिसाब से भाई, ये फोन किसके लिए है? इसको फुटानी मारना है एक नंबर, दूसरा नंबर अच्छा लुक वाला फोन चाहिए, और तीसरा नंबर कि अल्ट्रा वाइड में लो लाइट अच्छा चाहिए उसके लिए है। बाकी कुछ वैसा स्पेशल इस फोन में नहीं है। तो भाई ये फोन थोड़ा सबसे महंगा भी है इस रेंज में। Neo 6 जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा स्टार्टिंग से ही। हम सोचते हैं भाई कि इसमें 766 दे देता तो भाई ये फोन कहाँ का कहाँ चला जाता। इसका ऑप्टिमाइजेशन भाई नेक्स्ट लेवल है, गेमिंग के मामले में भी ये फोन, डिस्प्ले के मामले में भी ये फोन। तो इस फोन को हम बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं। और Realme 9 Pro Plus मतलब सस्ता पैकेट बड़ा धमाका, सस्ता फोन है लेकिन इसमें सब कुछ अच्छा है। कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फेडेड टोन ये सब काफी ज्यादा आता है पोर्ट्रेट्स में कोई फोन, ये फोन जो है पीछे हो जाता है। Neo 6 और हम लोग का नथिंग जो है कहीं कहीं पे अच्छा काम किया है, फिर भी हम स्टिल बोलेंगे कि ये सस्ता फोन हो के भी इतना अच्छा काम किया है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत तगड़ा है। Nord 2T भाई किसी के लिए नहीं बोलेंगे, यही बोल सकते हैं कि भाई आप बताओ कमेंट करके आपको कौन सा बेहतर लगा। ओवरऑल जो सारा कुछ है अभी तक हमको Neo 6 बेस्ट है। और अगला एक और कंपैरिजन आने वाला हम लोग का Moto H30 के साथ, तो उसके लिए भी क्या करना है आपको, गर्दा उड़ा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।